क्या स्टेटस है यहाँ? लहर की वजह से फील्ड कंटेनमेंट डिस्टेबलाइज्ड हो गया था। तो फिर दूसरा क्या रास्ता है? हमें हार्ड रिसेट करने की जरूरत है, लेकिन हम अभी सेंटकॉम से बात करने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? हाँ। वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है कैप्टन। मैं फिर से हार्ट रिसेट करने की सलाह दूंगा। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम ये नहीं कर सकते कर्नल, इसमें छेद हो जाएगा। सर, वो इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे हैं। सर, एक मिनट से ज्यादा देर हुई तो कंटेनमेंट गिर सकता है। छेद, हम छेद करेंगे। छेद? सर, क्या मतलब है आपका? ओह माय गॉश। ठीक है, तुमने बातें सुनी, टैंक रूम खोलो। यस सर। 45 सेकंड्स में कंटेनमेंट गिर जाएगा सर। कैप्टन, इस डिवाइस को इमरजेंसी सिचुएशन में छोटी मात्रा में वेंट करने के लिए बनाया गया है। इससे काम बन सकता है। डिस्टेबलाइज एक प्रेशर बनेगा और गर्म गैस प्रोड्यूस करेगा। आप जहां हैं वहां काफी ठंड है, इसलिए ज्यादा गैस फैलने से वो तेज हो जाएगी। क्या इससे काम बन जाएगा? टैंक रूम को जल्दी से खाली करो, वो रेडिएशन से भर जाएगा। 30 सेकंड्स। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, टैंक रूम खाली करो। हम लोग हथियार निकाल रहे हैं, तुम लोग टैंक रूम से बाहर निकल जाओ तुरंत। चलो दुआ करते हैं। तुम हमारे रखवाले हो, हमारी वेंटिंग, हमारी रक्षा करो। हम दुआ करते हैं कि हमारा काम पूरा हो जाए। तुम हमारे रखवाले हो, तुम हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम तुम्हारी दिल से स्तुति करते हैं। हमारी रक्षा करो। इस हादसे में किसी के कोई जानमाल का नुकसान ना हो। आमीन। उस बादल का पीछा करो एंडल। कैसे बादल सर? बहुत अच्छे। ठीक है तो क्या सब कुछ ठीक है? क्या बादल सर? दूसर के रास्ते में है, उन्हें वहां से बाहर निकालो। इन बादलों की चपेट में मत आना, इनसे दूर रहो। हमने सिग्नल खोली। तो तुमने थ्री माइल आइलैंड से कुछ नहीं सीखा? हाँ, थ्री क्या?
मेरी बात सुनो, अगर तुम रिएक्टर बंद करना चाहते हो तो तुम्हें डीके हीट बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट कूलिंग फ्लो का इस्तेमाल करना होगा। और इसीलिए हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉट इनफ। हर एक इंडिविजुअल फ्यूल चैनल के लिए प्रति घंटे 28,000 लीटर पानी लगता है। तुम उसके आसपास तक भी नहीं हो। देखो, तुम्हारी वजह से रिएक्टर 3 का नुकसान हो सकता है। तुम्हें ये जगह बंद करनी चाहिए। समझ गए? यहाँ प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बुलाया है, हमारा काम बंद करने के लिए नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तो बंद करो उसे। एक हफ्ता बोलो उसे, ठीक है? ओके बेन, क्लेरेंस, तुम सुन रहे हो? हम सुन रहे हैं आदम। इस चीज में हर तरफ से गड़बड़ है। री चैनल के लिए हमें उसे बंद करना होगा। हाँ, लगता तो है प्लांट डायरेक्टर परेशान हो सकता है। शायद नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन हमेशा की तरह वहाँ चीजें संभाल रही है। तुम लोगों ने जो टीम बनाई है उससे हमें एक बेहतर शख्स मिला है जिससे हम अच्छे काम कर सकते हैं। हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच बहन। ओके, इस वक्त तुम लोगों को वहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सामने आओ। हम यही है, हम रिएक्टर तैयार कर सकते हैं। नहीं बेन, क्लेरेंस, यहाँ वापस आओ। ये नहीं हो सकता दोस्त, वो तो सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। हे, अगर तुम मेरी बात ना मानकर दुनिया घुमाने वाले हो तो मुझे तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाना होगा। रिएक्टर 3 में खराबी आ रही है। कोर का टेम्परेचर नीचे नहीं जा रहा। क्या वाल्व अटक गए हैं? ओके गाइस, हमें वाल्व को मैन्युअली घुमाना होगा। जल्दी करो जैकी। वाल्व 3 वेरिएशन लेवल स्केल के ऊपर तक बंधा हुआ है। अगर हम ये बल्ब नहीं खोले तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। उन्हें इसी वक्त और खोलना चाहिए। ये हिल नहीं रहा। और जोर से बैठ। टेम्परेचर बढ़ रहा है एडम, हम सलाहकार हैं, बचाव करने वाले नहीं, इसकी कीमत वो चुकाएंगे। ए, जैकी, क्या उनके पास कोई रास्ता है? लगता तो है मुझे। बेन, तुम क्या कर रहे हो? बस ये खुलने वाला है, हिल गया। खोलो इसको। मुझे यहाँ फ्लो मिला है। बेन प्लीज वहाँ से बाहर निकलो। सॉरी, हम ये कैसे करें? तुम ये कर लोगे। ऊपर वाले, मेरी तबीयत खराब लग रही है। बेन वहाँ से निकलो, जल्दी निकलो प्लीज। ये क्या कर रहे हो? वहाँ इतना रेडिएशन क्यों है? मुझे पता नहीं। ओ, ये हो गया, टेम्परेचर स्टेबलाइज हो रहा है। दरवाजा खोलो, वहाँ से बाहर निकलो। मॉर्गन, तुम ये नहीं कर सकते, हम सबकी नजर में आ जाएंगे। रूम में फ्लश करो जल्दी से। काम नहीं कर रहा। बेन, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सांस लेते रहो, हम रूम में फ्लश करेंगे। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। नहीं बेन, नहीं बेन, 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 नहीं। हेलो एडम, क्या ये तुम हो? हेलो, आपके लिए यहाँ पे आए हैं शॉपिंग एक्सीडेंट की एक सनसनी खबर। यूएस कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट है कि वो ऐसी किसी भी घटना के बारे में नहीं जानते, और उनकी जांच से ये पता चला कि वो एक अफवाह थी। वो गलत सूचना देने वाले सूत्रों की जांच कर रहे हैं। अन्य खबरों के मुताबिक वेस्टर्न सी बोर्ड पर इसके ऊपर कवर अप लिखा हुआ है। तुम सही हो सकते हो। इंटरफेरेंस पैटर्न सनस्पॉट नहीं हो सकते, सभी फ्रीक्वेंसी गलत हो सकती है। सच में गलत फ्रीक्वेंसी? तुम कौन हो, कोई डॉक्टर हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम एडम मर्फी हो? हाँ, मैं ही हूँ। हमारे साथ चलना होगा मुझे। हाँ, तुम्हें चलना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो चलते हैं।
एडम। प्रोफेसर जॉर्डन। प्रोफेसर नहीं, अब मैं सिर्फ रॉबर्ट जॉर्डन हूँ। ठीक है, MIT बहुत सालों पहले था। हाँ बैठो। ओके। मैंने तुम्हारे सभी पब्लिश और कुछ अनपब्लिश किस्सों पर गौर किया है। हाँ, मैंने उनसे दूर जाने का फैसला किया जब मुझे पता चला कि वो उनका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। क्या उन्होंने आपको सही जानकारी दी? हाँ हाँ, कंट्रोल तबाह हो गए, हम उसे संभाल नहीं पाए। आपने वेंटिंग का फैसला किया, शायद उस वक्त आपके पास एक ही रास्ता होगा। वो भूल गया और ब्लास्ट हो गया। कंटेनमेंट के लिए एक्सपर्ट्स हैं। पता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम्हारी कुछ थ्योरीज काफी, उसकी कभी जांच ही नहीं की गई है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो? मैं सच कहूं तो मुझे इस काम को छोड़े हुए काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं मैं भागों के बारे में सब जानता हूं। तुमने सही किया था। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। पिछली बातें भूल जाओ एडम। देखो, हम यहां वेपन डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसे डिसमेंटल करना चाहते हैं। एडम, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा सर। इसके अलावा मैंने अपनी पूरी टीम खो दी है, जैकी, मॉर्गन। तुम्हारी उनसे लास्ट बात कब हुई थी? लगभग 2 साल पहले। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें कहां ढूंढूं। कम ऑन, दुनिया की तरह वो भी मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, हमने भी तुम्हें वैसे ही ढूंढा। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मेरी बात मानेंगे। तुम हैरान हो जाओगे मर्फी। जाओ उन्हें लेकर आओ, वक्त कम है। हाय एडम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जैकी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा हुनर तुम्हारे पास है। हुनर बहुत जरूरी होता है, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। जैकी, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। बस करो ये सॉरी वॉरी, हमने जिंदगियां बचाई हैं, तुम्हें तो फक्र होना चाहिए दोस्त। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ। तुम आज गंदे लग रहे हो। हाँ, मैं आजकल ऐसा ही हूँ। देखो, वो अमेरिकन सोल्जर्स हैं। तुम्हें नई जॉब मिल गई? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी जॉब है, शायद खतरनाक भी। मेरा हाल बाकू से भी बुरा हो सकता था। हे ब्रो, डेंजर मेरा दूसरा नाम है। मैं जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम अगर नहीं चाहोगे फिर भी आऊंगा, समझ गया ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुमने अभी तक उससे बात नहीं की? हाँ नहीं, पर क्या तुम ये मेरे लिए करोगे दोस्त? सुनो, हालात के मुताबिक हमने क्रशर और उसके साथ बहुत सारे लोगों को खो दिया है। हालांकि वलिजार अभी चल रही है और वापस अपने रास्ते पर आ गई है। अब ये बात तो साफ हो गई है कि अब कंटेनमेंट अनस्टेबल कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने नावेल अप्रोच के लिए कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट की एक नई टीम बुलाई है। मैं आप सबकी इज्जत करता हूं सर। देखिए सर, अब तक इस ऑपरेशन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आई हैं। अब हमारे पास कोशिश करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। हार्ट रिसेट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है। तुम ऐसा नहीं करोगे कर्नल, तुम्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, समझ गए? यस सर। शांत हो जाओ कर्नल। क्या तुमने मुझे अभी शांत हो जाने के लिए कहा? क्या तुम्हें अपना बॉस पसंद नहीं है?